था वो ईमान लाए, जिसके नसीब में नहीं था उन लोगों ने सरकार के ऊपर जुल्म सितम बढ़ा दिया, तो वो जगह भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। जब जुल्म सितम बढ़ा तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब अब ये मक्का छोड़ दो और मदीने की तरफ चले जाओ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे पहले खाने काबा में तशरीफ लाए और खाने काबा के सामने खड़े होकर के मुतवज्जे हुए और खाने काबा से कहने लगे, अल्लाह का प्यारा घर, तो मुझे जान और दिल से अजीज है, मुझे छोड़ना गवारा नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरी कौम मुझे सता रही है और मेरा रब का यही फरमान है कि मैं आपसे अलविदा करके जा रहा हूं हमेशा के लिए। हम तो जा रहेंगे ना, तो हमें तकलीफ होगी, लेकिन ये उम्मीद भी रखी कि दोबारा फिर आएंगे। लेकिन सरकार के ऊपर इन्होंने जब सुलह हुदे भी आगे पर ये मौका दिया था कि 10 साल तक आप आएंगे नहीं, ना हमसे लड़ाई झगड़ा करोगे, हम जब आपको कहेंगे तब आप उमरा करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब चाहें, अल्लाह का फजल है, अल्लाह अगर तौफीक फरमाएगा तो जब जी चाहेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने बुलाएगा। तो सरकार खाने काबा के सामने खूब रोए, उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हरम काबा को अलविदा करते हुए निकले तो ये जो बिल्डिंग सामने नजर आते हैं यहाँ पर सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान है। सुभान अल्लाह। तो जब सरकार यहाँ पर तशरीफ लाए ना तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हाथ बांधे दरवाजे पर खड़े थे। तो कहा कि सिद्दीक़, आपको कैसे पता चला कि मैं आज हिजरत करने वाला हूँ? तो कहा कि या रसूलल्लाह, एक वक्त आया था और आपने कहा था कि मक्के वालों का जुल्म सितम बढ़ रहा है, अल्लाह का फरमान होगा तो इस्लाम के दीन मतीन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए हम अपना वतन भी छोड़ देंगे। या रसूलल्लाह, जब आपने ये कहा था उस वक्त से लेकर आज तक कसम उस वहदहू ला शरीक की जिसके कब्ज़े में अबू बकर की जान है, या रसूलल्लाह उस वक्त से लेकर आज तक मैंने अपनी पीठ बिस्तर पे नहीं लगाई, उस वक्त तक मैंने अपनी पीठ बिस्तर पे नहीं लगाई, मैं इंतजार में खड़ा रहता हूँ वो कौन सी घड़ी आ जाए, सरकार निकल जाए, तनहा रह जाए, या रसूलल्लाह तक मैं आपके इंतजार में हूँ। सरकार सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला दोनों साथ में निकले, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला आपके सरकार के बचपन के साथी भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, और बच्चों में सबसे पहले इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला लाए हैं। तो जब सरकार यहाँ से निकले तो मदीने की तरफ गए तो सबसे पहले कहाँ पे गए थे बताओ? आप लोगों ने ज्यारत किया गारे सौर में, जो हमने कबूतरी का वो वाक्य बताया था ना, तो यहाँ से जिस रास्ते से सरकार निकले, ये सामने जो रास्ता जा रहा है, आगे जाकर के दो रास्ते पर जाते हैं, ये वाला रास्ता जो है खलील इब्राहिम है, और यहाँ से जो लेफ्ट वाला रास्ता जाता है इसका नाम है सारा हिजरा। क्या नाम? हिजरा, मतलब हिजरत जो रास्ते से की है ना, इसका नाम सारा हिजरा। तो सरकार यहाँ से तशरीफ ले गए। जब सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ईमान लाए थे और लोगों में पता चला ना, तो सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला को हरम सहन के अंदर इन कुफ्फारों ने, मुशरिकों ने इतना मारा था कि माँ ने खुद अपना चेहरा, उसका चेहरा पहचानने से मना कर दिया था कि मेरा बेटा नहीं है। लेकिन तो वो अभी मुनाफिक ईमान नहीं लाए थे उनकी माँ और घर वाले। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हाथ पोजिशन ये देखी तो बार बार कहा कि बेटा कुछ खा ले, बेटा ये कर ले, तो कहा कि नहीं, मुझे मेरे यार का, मुझे मेरे यार से मिला दो पहले, यानी मैं अपने सरकार अबू अगर हमारे नबी से पहले मैं देखूं हमारे नबी के हालात क्या है, क्यों लोगों ने इतना जुल्म किया था। 3 दिन तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला से जिद करते रहे कि खिला, कुछ खा ले बेटा, कुछ खा लो, कुछ खा लो, जान में जान आ जाए। लेकिन आपने कहा कि जब तक नबी का चेहरा नहीं देखूंगा मेरे हलक के नीचे एक दाना भी नहीं जाएगा। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा तो सरकार ने सीने से लगाया और कहा कि यह सिद्दीक़, ये क्या हालत बनाई तुमने? ये देख करके जब सरकार सिद्दीक़ अकबर की जब नज़र सरकार के पड़ी तो कहा कि या रसूलल्लाह, आप सलामत है तो सब कुछ सलामत। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसी रास्ते से सरकार के साथ आपने हिजरत फरमाई थी। अब इंशाल्लाह वो जगह दिखाएंगे कि जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कबल ये अरब का दस्तूर था कि जिस घर में बच्चियाँ पैदा होती थी उसको मनहूस समझा जाता था, बच्चे को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इंशाल्लाह वो कब्रिस्तान आपको दिखाएंगे।